I saw heaven open and many angels coming down. And you also in a spirit you are an angel. And I saw you and you told me to follow you in the realm of the spirit. This is my first time. I'm coming here from Nagaland all the way from Northeast. I'm so happy to meet you. Hallelujah. विजन देखा जिसमें एक बहुत बड़ी आर्मी थी, सारे लोग पूरी आर्मी के वस्त्र में तैले हुए, जैसे पुराने जमाने की आर्मी होती थी, राइट लेफ्ट आगे पीछे कोई लिमिट नहीं है उस आर्मी की। फिर एकदम से मुझे ऐसे फील हुआ कि खुदा बिल्कुल मेरे सामने आ गए हैं। उसके बाद मेरे को ऐसे हुआ कि मेरे हाथ में एक भाला और खुदा बोल रहे अटैक, और मैं अटैक अटैक बोली जा रही हूँ, और वो पूरी आर्मी आगे जा रही है अटैक करने के लिए, और एंजल्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं लगातार प्रेयर में बोली जा रही हूँ अटैक अटैक, और फिजिकली मैं थक रही हूँ, बट मुझे आत्मा में हो रहा है ये रुकना नहीं है, ये चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। यीशु की आर्मी तैयार हो रही है। आमेन। मम्मा जी, व्हेन यू लेड हैंड्स ऑन मी, I tried to close my eyes, but I couldn't close my eyes. I had an intense urge to stare at your eyes, just like how Peter stared at a layman's eyes. I had to stare at your eyes. When I stared at your eyes, you laid your hand upon me, and there was an intense urge to roar. I started roaring. My voice changed. I started roaring like a lion. Wow, wow. Oh, what the hell? As you laid hand on me, I started roaring like a lion in a new tongues. Very different experience. There was full fire and urge to vibrations of the spirit. Very body shaking, full shivering. As you said fire. As you said, ways are opening. I was running on the way to Jesus. Praise God. मैंने एक बहुत बड़े गुलाब को देखा जिसमें से इतनी खुशबू फ्रेग्रेंस निकल रहा था, और यहाँ से जितनी गंदी खुशबू थी वो बाहर जा रही थी, और उसके बाद मैंने आपको देखा, आपकी आंखों से आग निकल रही थी। And I saw you from your eyes, there was fire coming out. उसमें बहुत सारी आग निकल रही थी, और उसमें से बहुत सारे लोगों को आपने इम्पार्टेशन को किया। And you are imparting inside of the people. और वो आग मेरे अंदर भी अभी आई। हम पुलपिट के ऊपर बहुत रोशनी को देखा, और देखा एक बड़ी बेदारी को यहाँ पर, इस जगह पर बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने देखा एक आवाज सुनी कि तैयार हो जाओ, मैं न्याय करने आ रहा हूँ। आवाज सुनी पास्टर, जब आपने बोला कि आनंद की आत्मा आ रही है, आनंद से भर जाओ, आनंद से भर जाओ, तो मेरे अंदर ना पहले बहुत स्पिरिचुअल ड्राइनेस था, और जैसे ही आपने बोला आनंद की आत्मा आ रही है, तो स्वर्गदूतों ने मेरे पेट को पकड़ लिया, और मैं इतना हंसने लगा। फिर मैं प्रभु को बोला, परमेश्वर मुझे छोड़ दे, बहुत पेट में दर्द हो रहा। उसके बाद परमेश्वर ने अपने छिदे हुए हाथ को दिखाया, तो मैं परमेश्वर को बोला प्रभु मुझे मत दिखा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस हाथ को। There was a lot of spiritual dryness in my life. I could see the hands of the Lord. Then you said joy come. I was holding my stomach. I was unable to stop that laughter. मैंने पूरे पुलपिट पे और पूरे टेंट पे हेवेनली प्रेजेंस को देखा, और सबके पीछे उनके एंजल्स थे, और वो सबके पीछे से हर एक एक के पीछे उनके एंजल्स थे। I saw there were angels around here. जब से मैं ये प्रेयर में आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे माइंड में किसी ने लॉक करके रखा है। मेरे माइंड पे कुछ तो चल रहा था। जब मैंने प्रे किया, मुझे मेरे बालों का क्लचर का वेट संभल नहीं रहा था, मैंने मेरे बाल खोल दिए थे, मुझे इतना पेन हो रहा था। फिर सैटरडे में घर गई, तब वो पेन नॉर्मल था, पर कल से मेरे पेट में पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कुछ घूम रहा है। मैंने मेडिसिन ली मेरी दीदी से, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब वो पेन हो रहा था, मेरी पूरी एनर्जी सोक कर रहा था, पर जब आपने मेरे पे ले हैंड किया, अब वो पेन पूरा निकल गया, और मेरा माइंड बहुत फ्री लग रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बिग बर्डन वाज देयर, बट ऑल हैज बीन डिसअपीयर्ड एज यू प्रेड। जब आप फायर बोल रहे थे ना, तो आग के गोले सभी पर आ रहे थे, आग के गोले आ रहे थे, और यीशु मसीह यहाँ पर घूम रहा था, और यीशु मसीह का सिंहासन उधर था, और एंजल आ रहे थे, और मेरे घर से ना दुष्ट आत्माएं भाग रही थी। दुष्ट आत्माएं आपके घर में होंगी नहीं। मैंने एक दर्शन को देखा कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने बोला आज आप यीशु को देखोगे, उसी समय मैंने यीशु मसीह को देखा, बट वो यीशु मसीह वो नहीं था जो सताया हुआ था, जो ब्लडेड था, जो वुंडेड था, वो यीशु मसीह नहीं था।
वो यीशु मसीह, वो यीशु मसीह था जो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हमें दिखता है, पटुका बांधे हुए उसके बाल स्नो के जैसे उस यीशु मसीह को मैंने देखा। जब मुझे जॉय एनॉइंटिंग आया था, मेरे पेट में गुदगुदी हो रहा था, पेट में गुदगुदी हो रहा था, कुछ कुछ रिसीव कर रहा था मेरा पेट में, जैसा वो रिसीव हो रहा था मैं ज्यादा हंसने लगा। तो फिर बाद में मेरे मुझे कुछ डीमंस दिख रहे थे जो उनको देख के मैं हंस रहा था, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरा अंदर एक आनंद भर गया, शैतान रो रहा है। और मुझे 2-3 डेज से बहुत सीवियर कॉफ एंड कोल्ड था, मैं फुल डल वीक लग रहा था। जैसा वो जॉइंट एंडिंग आएगा, आई एम फ्रेश नाउ।